हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज हमने वीडियो में आपको बताने वाले हैं चटनी की रेसिपी। हरी मिर्च की चटनी है जो 2 मिनट में बनके तैयार भी हो जाती है। इस चटनी को बना के 1 हफ्ते तक आप रख भी सकते, खराब बिल्कुल नहीं होगी। इस चटनी का अलग टेस्ट होता जो खाने के स्वाद को 2 गुना कर देती है। बहुत ही चटपटी होती, झटपट से बन के तैयार भी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हरी मिर्च की चटनी हम कम समय में कैसे बना रहे हैं। हरी मिर्च की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने दही ले ली है, 1 कप के लगभग हमने दही लिया। दही हमारी गाढ़ी है, उसे हमने फेंट लिया है, खट्टी नहीं होनी चाहिए। और साथ में हमने हरी मिर्च ले ली, 2 हरी मिर्च है। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इस चटनी को पूरी, पराठे, दाल, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया, ऑन करके हमने गैस को स्लो कर दिया। स्लो गैस पे हमें मिर्ची को भून लेना है। 1 मिनट से भी कम समय लगता है इस मिर्ची को भूनने। बहुत ही अच्छी लगती, बहुत ही चटपटी होती। खासकर मुझे ये चटनी बहुत पसंद है। आप भी ट्राई करिएगा, आप भी खाइएगा, हमें बताइएगा कमेंट के जरिए कि आपको ये चटनी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्लो गैस पे मिर्ची को भूने, हमने यहाँ पे डंठल नहीं निकाला है। अगर डंठल निकालेंगे मिर्ची को भूनने में हाथ भी जल सकते, इसलिए हमने डंठल नहीं निकाला। डंठल पकड़ के इधर उधर करते हुए हम मिर्ची को भून लेंगे। तो यहाँ पे मिर्ची हमारा भुनना स्टार्ट हो गया। देखिए ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा नहीं जलाना है, नहीं तो मिर्ची का टेस्ट जो बिगड़ जाएगा और चटनी हमारी टेस्टी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम गैस को स्लो करते हुए मिर्ची को अच्छी तरह से भून लिए। देखिए मिर्ची हमारी यहाँ पे भून चुकी है, अब हम मिर्ची को ठंडा कर लेंगे। मिर्ची हमारी यहाँ पे ठंडी हो गई है। अब दूसरी तरफ हमने एक यहाँ पे खलबट्टा ले लिया जिसमें अदरक क्रश करते हैं, उसी में मिर्ची को हम डाल देंगे। तो मिर्ची को हम साइज छोटी कर ले रहे हैं कैंची की मदद से। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो मिर्ची को छोटी साइज कर लेंगे। जब आप क्रश करेंगे तो उसके बीच जो है आँख में नहीं आएंगे। अगर साबुत मिर्च डालेंगे जब क्रश करेंगे तो उसके बीच आँख में आ सकते हैं, जलन हो सकती है आँख में। इस तरह जब भी क्रश करें तो मिर्ची की साइज छोटी कर लीजिए। तो यहाँ हमने मिर्ची को खलबट्टे में डाल दिया। साथ में 2 लहसुन की कलियाँ हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च और लहसुन की कलियाँ बढ़ा दीजिएगा। टेस्ट के हिसाब से हमने नमक ले लिया, काला नमक ही लेना, सफ़ेद वाला नमक नहीं लेना। अब इन सबको हम क्रश कर लेंगे। देखिए हमने इन सबको क्रश कर लिया है। ज़्यादा मोटा दरदरा ही रखना है, पतला नहीं, बारीक नहीं क्रश करना है, क्योंकि ऐसे पर मिर्ची भुनी हुई तो सॉफ्ट हो जाती है जल्दी से, झटपट से क्रश। 2 मिनट से भी कम समय लगा है, ये चटनी हमारी झटपट से बन के तैयार हो जाती है। अब इस मिक्सर को हम दही में मिक्स कर देंगे। आप जरूर खाइएगा, जरूर बताइए कमेंट के जरिए चटनी कैसे लगे। पूरी, पराठे, दाल, चावल किसी भी साथ खा सकते, बहुत ही अच्छी लगती है। सबसे अच्छी बात क्या है, इस चटनी को बना के 1 हफ्ते तक आप रख भी सकते, खराब बिल्कुल नहीं होगी। और साथ में कुछ भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर आपको थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपका रायते का स्वाद आ जाएगा। तो थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, देखिए एकदम हमने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर ले लिया। साथ में कुछ हम धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे। चटनी हमारी बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, इंजॉय करिएगा और हमें बताइए कैसी लगे। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।